राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर भट्टारक जी की नसिया पहुंची, जहां विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। साथ ही आचार्य श्री से प्राकृत भाषा के बारे में जानकारी ली। श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान समापन की ओर अग्रसर है। महामंडल विधान के सातवें दिन राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर भट्टारक जी की नसिया में विराजमान आचार्य 108 श्री सुनील सागर जी महाराज से मिलने पहुंची। आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने आचार्य श्री से प्राकृत भाषा के बारे में काफी देर तक चर्चा की। हालांकि आचार्य श्री से मौन व्रत धारण किए हुए थे, जिसके चलते उन्होंने लिखकर सारी जानकारी दी, जिसमें सिंधिया जी ने भ्रम लिपि एवं प्राकृत भाषा के बारे में गहराई से जाना, साथ ही पुस्तक के बारे में जानकारी ली। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी आचार्य श्री के दर्शन लाभ लेने के लिए भट्टारक जी नसिया पधारी और करीब वो 45 मिनट आचार्य श्री के पास रुकी और उन्होंने आचार्य श्री के जीवन पर, आचार्य श्री की रूटीन की शैली पर और प्राकृत भाषा पर पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से चर्चा की। और महाराज श्री ने जो प्राकृत भाषा पे किताब लिखी है, उसके लिए उन्होंने उनसे काफी देर चर्चा की। आज आचार्य श्री का मौन था, उसके पश्चात भी अपने मूक शब्दों के साथ आचार्य श्री ने वसुंधरा मैडम से बहुत अच्छे तरीके से वार्तालाप की और आशीर्वाद दिया उनको। दर्शन लाभ लेने के उपरांत आचार्य श्री ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी पिच्छी से एक पंख निकालकर वसुंधरा राजे जी को दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब आचार्य श्री ने अपनी पिच्छी से किसी को पंख दिया हो। साथ ही आचार्य श्री को दीक्षा ग्रहण किए 25 वर्ष पूरे हुए, इसी के चलते गुरुदेव को सिंधिया जी को भेंट भी दी। समिति ने सम्मान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी को पटका पहनाया, साथ ही आचार्य श्री ने पुस्तक भेंट की। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के दर्शन हेतु राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आई, जिन्होंने आचार्य श्री से काफी देर जिनकी चर्चा हुई। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का आचार्य श्री को काफी अच्छा ज्ञान है, इसके बारे में वसुंधरा राजे ने उनसे काफी ज्ञान लिया और काफी जानकारी प्राप्त की। आचार्य श्री ने उनको भेंट स्वरूप ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा की किताबें, जो कि उनकी खुद की लिखी हुई है, उन किताबें उनको भेंट स्वरूप प्रदान की। और वसुंधरा राजे जी ने यहाँ पर अहिंसा रथ, जो कि पूरे भारत का भ्रमण करेगा, जैन संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, उसको देखा और उसके दर्शन किए। इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे भारत में भ्रमण करने वाले अहिंसा रथ को तिलक कर दर्शन किए। इस प्रकार का आयोजन अपने में विशेष रहा। इस दौरान जयपुर जैन समाज भी इस पल का साक्षी रहा। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।